हेलो स्टूडेंट्स, देखो ये हम आज एक काइनेमेटिक्स का बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मोस्टली आप काइनेमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो वो जनरली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम ज़्यादा आप सॉल्व करते हो ना। आप सोचते हो कि काइनेमेटिक्स का अगर किसी इंस्टेंट रिलेटेड मोशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन अगर वेलोसिटी पूछा तो आराम से वी इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा देंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि आप ध्यान ही नहीं देते हो कि क्या वो फॉर्मूला वहाँ एप्लीकेबल होगा या नहीं। तो चलो उसको उसी तरह का एक सवाल डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन है कि जहाँ मान लो दिया हुआ है अ पार्टिकल, दिया हुआ है अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन विथ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज कर रहा है, उसका भी टाइम के साथ एक रेट दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी, इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर जीरो, दोनों जीरो है ना, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है एक्सेलरेशन भी जीरो है, देन देन फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी इक्वल टू 2 सेकेंड टू इक्वल टू 3 सेकेंड। 2 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच का जो इंटरवल है इतना समय में वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट अगर लैंग्वेज देखे तो एक्सेलरेशन खुद दिया है इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है, जो गिवन है वो है कि डीए बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन डीए बाई डी टी इज 2, यानी एक्सेलरेशन को जनरली हम लोग स्मॉलेस्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, रादर रेट ऑफ चेंज ऑफ है ना इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का रेट वो कॉन्स्टेंट है डीए डी टी दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं डीए बराबर 2 डी टी, ठीक है। इसको अगर मान लो अब इंटीग्रेट कर दे, चूंकि इंफॉर्मेशन है कि इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो है और एक्सेलरेशन दोनों जीरो है, तो एक्सेलरेशन मान लो जीरो से कोई भी एक वैल्यू ए ले लिया और टाइम भी जीरो से टी सेकेंड ले लिया। तो इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे तो ये मेरे को क्या दे देगा, ये दे देगा ए बराबर 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू t। तो ऑब्वियस बात है कि ये हो जाएगा ए बराबर 2t। तो हमको देखो जो एक्सेलरेशन का जो टाइम डिपेंडेंट रिलेशन है वो आ गया ए इज इक्वल टू 2t, ठीक है। मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पूछा है, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जरूरी है कि हम इतना तो पता है कि एक्सेलरेटेड मोशन है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, चूंकि चूंकि क्या है एक्सेलरेशन खुद वेरिएबल है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा नहीं सकते। मैक्सिमम इनिशियल वेलोसिटी का जो इन्फॉर्मेशन है जीरो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे, चूंकि एक्सेलरेशन का बेसिक डेफिनेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डीटी है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए का जो वैल्यू आ गया उसको यूज कर सकते हैं एज डीवी बाई डीटी। तो डीवी बाई डीटी को अगर मैं 2t लिख दूं, है ना, डीवी बाई डीटी को अगर मैं 2t लिखूं, ठीक है, तो ये हो गया 2t। अब देखो यहां से फर्दर लिख सकते हैं डीवी दैट इज इक्वल टू 2t dt। अब इसको फर्दर अगर इंटीग्रेशन करें तो लिमिट ऑफ वी 0 टू v जाएगा, ये इंटीग्रेशन सिंबल है, और इधर 0 टू
टी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखो हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ डीवी करेंगे तो वो वी हो जाएगा, जबकि आरएचएस में 2 इंटू ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना, 2 टी डी टी है तो टी डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर बाई 2, तो ये कट के क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, यानी कि हमको वेलोसिटी का भी रिलेशन आ गया, दैट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो पहला रिलेशन एक्सेलरेशन का मिला था ना, पहला रिलेशन ये जो एक्सेलरेशन का मिला था, दिस वॉज इक्वेशन नंबर 1। अब ये मेरे को मिल गया इक्वेशन नंबर 2, ये दूसरा रिलेशन आ गया, ठीक है, ये दूसरा रिलेशन आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये जो फर्दर मेरा जो वेलोसिटी का रिलेशन आया उसको हम जानते हैं, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है dx by dt। तो यहां से dx by dt को एज t स्क्वायर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मेरे को वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ t कितना आया t स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं लिखूं दैट इज dx इज इक्वल टू t स्क्वायर dt, हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है t इक्वल टू 2 सेकंड से 3 सेकंड के बीच में, यानी कि अब अगर मैं इसको फर्दर इंटीग्रेट कर दूं, ठीक है, 0 टू x, मतलब t इक्वल टू 2 सेकंड में जो पोजीशन होगा वहां से मेजर कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 3, तो ये हो गया हमारा LHS हो गया x, RHS हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना बोलो t³/3, है ना, ये हो गया हमारा t³/3 और लिमिट हमारा क्या है 2 2 3, तो हम ये 1/3 रखेंगे, इसको 3 क्यूब माइनस 2 क्यूब, यानी कि 1/3 इंटू 27 माइनस 8 यानी 19/3, तो 19/3 मीटर जो है वो हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल जिसका कि एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है टी स्क्वायर और जिसका डिस्प्लेसमेंट रिलेशन आया t³/3, तो इन बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू 3 सेकेंड जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो है 19/3 मीटर। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलस के बेस्ड काइनेमेटिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जो काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें आपको मैथमेटिक्स कैलकुलस का भी यूज देखने को मिल रहा है और आप बहुत अच्छी तरह से फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो। सो इसी तरह से लगातार हमारा चैनल देखते रहिए और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स सीखते रहिए और अपना जर्नी टू अचीव देयर गोल टुवर्ड्स जेई और नीट क्रैक करने का जो आपका एस्पिरेशन है उसको बहुत मेंटेन कीजिए, बहुत आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।